आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इंग्लैंड ने मैनचेस्टर में खेले गए वर्ल्ड कप मुकाबले में अफगानिस्तान को 150 रनों से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 397 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। इसके जवाब में अफगानिस्तान की टीम 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 247 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की इस धमाकेदार जीत के हीरो रहे कप्तान यॉन मॉर्गन, जिन्होंने 71 गेंदों में 148 रनों की तूफानी पारी खेली। इयोन मॉर्गन ने 208 की स्ट्राइक रेट से 71 गेंदों में 4 चौकों और 17 छक्कों की मदद से 148 रन बनाए, जिसके बाद पूरे क्रिकेट जगत में भूचाल सा आ गया है, क्योंकि कोई भी वनडे मुकाबले में 17 छक्के लगाने वाला खिलाड़ी अब सिर्फ इयोन मॉर्गन है। इस पारी के बाद कई लोगों का कहना है कि टॉस होने के बाद इयोन मॉर्गन नशे की हालत में थे और नशे की हालत में वह बल्लेबाजी करने आए थे, जिस कारण उन्होंने ऐसी पारी खेली। हालांकि इस बात की अब तक पुष्टि नहीं हो पाई है कि इयोन मॉर्गन क्या सच में नशे की हालत में थे या नहीं। आपको बताना चाहेंगे, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए मुकाबले में साउथ अफ्रीका की तरफ से चेज करते हुए मार्शल गिब्स ने नशे की हालत में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी और अब वर्ल्ड कप में इयोन मॉर्गन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन कई लोगों का यह भी कहना है कि यह सिर्फ अफवाह है और इयोन मॉर्गन में ऐसी काबिलियत है कि वह लंबे लंबे स्ट्रोक्स लगा सकते हैं और तूफानी बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इयोन मॉर्गन क्या सच में नशे की हालत में थे या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें, साथ में हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।